मध्य प्रदेश स्थापना दिवस 1 नवंबर से 7 नवंबर तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में पोहरी नगर परिषद के मेन चौराहे पर स्वच्छता संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ राठखेड़ा पहुंचे, जिन्होंने सड़कों पर झाड़ू लगाकर आमजन को स्वच्छता का संदेश दिया। साथ ही उन्होंने स्थानीय लोगों और दुकानदारों से अपील करते हुए कहा कि स्वच्छता में हम सबकी भागीदारी जरूरी है। घरों दुकानों का कचरा सड़कों पर न फेंके, अपने डस्टबिन में कचरा रखें और उसे कचरा गाड़ी में डालें। जहां राज्य मंत्री ने पोहरी मेन चौराहा पार्क सब्जी मंडी फुटपाथ स्थल पर झाड़ू लगाई, साथ ही सफाई कर्मियों का धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि हमारी नींद खुलने से पहले हमारे सफाई कर्मी शहर को साफ करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। हम सभी को मिलकर शहर को स्वच्छ बनाना है और अगर सभी का सहयोग मिला तो एक दिन पोहरी भी प्रदेश में स्वच्छता के मामले में अव्वल स्थान पर आएगी। इस दौरान साथ में भाजपा मंडल अध्यक्ष आशुतोष जैमिनी, भाजपा नेता संजीव शर्मा, नेपाल धाकड़, देवेंद्र जैन, पप्पन खान, बंटी राजे, लल्ला गुप्ता सहित सीएमओ तेज सिंह यादव एवं नगर परिषद का अमला मौजूद रहा। पोहरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। लेकर से हम झाड़ू उठा के आप निकल चुके हो, शहरवासियों को क्या कुछ संदेश है? पहले से बेहतर स्थिति नजर आ रही है। आज पूरे मध्य प्रदेश में सात दिन हमारे कार्यक्रम है, हर रोज कुछ ना कुछ हम करते हैं। हमने अपना प्रदेश का 66वां जन्मदिन दिवस मनाया, आज हम पूरे शहर को स्वच्छ बना रहे हैं। कल हमारा काम वृक्षारोपण का, मतलब सात दिन के लगातार हमारे कार्यक्रम है और भाजपा पार्टी का एक संदेश है, हम सबको स्वच्छ रखना, अपने आगे हमको साफ सफाई करके रखना। तो एक हम अपने लोगों को संदेश देना चाहते हैं, हमको अपने भारत में, मध्य प्रदेश बहुत गौरवशाली प्रदेश है तो पूरे भारत में स्वच्छता के नाम पर इंदौर पहले नंबर पर आया, तो हम ये चाहते हैं कि हम अपने शहर को भी स्वच्छ बना के रखें। आप देखो कितनी योजना है, कल हमने नारी लक्ष्मी योजना का कार्यक्रम किया पूरे प्रदेश ने, और जब प्रदेश ने इसको किया तो पूरे देश ने किया और देश की नकल प्रदेशों ने की। तो ये बहुत अच्छा सोच भाजपा परिवार का, भाजपा पार्टी का और हम सब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का एक सोच है कि हमको स्वच्छता पर ध्यान देना, हमें पानी पर ध्यान देना, हमें रोडों पर ध्यान देना। परसों में रोड से निकल रहे थे, कई जगह गड्ढे गड्ढे थे, हमने तत्काल अपने अधिकारियों को मैंने बात की, कल ही इसका गड्ढा और पेच भराई का काम चालू हो गया। फिर मैं संतुष्ट नहीं हूँ, फिर मैंने अधिकारियों का जिसको हमको पूरे रोड पर यहाँ से लेकर हनुमान मंदिर तक सारी रोड पर हम दोबारा डंबर करें, जिससे हमारा शहर स्वच्छ और सुंदर रहे, ये मेरी सबसे कामना है। और शहरवासियों से मैं हाथ जोड़ कर बना विनती करता हूँ, अपने अपने घर के आगे रोज हमको सफाई करके रखना, जिससे हमारा शहर भी इन लोगों की तरह पोरी का भी नाम रोशन हो।